हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और आज आप देख रहे हैं हमारा खास शो जो आपको फिल्म जगत और एंटरटेनमेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए तैयार है। तो आज के एपिसोड में आप फिर से लेके आया हूँ एंटरटेनमेंट का तगड़ा डोज। बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी 3 की। वैसे तो बिग बॉस ओटीटी 3 इस बार लोगों को कुछ खास एंटरटेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन आज मैं आपके सामने सुनाने वाला हूँ कुछ ऐसी खबर जो काफ़ी एंटरटेनिंग है। बिग बॉस ओटीटी 3 शुरू से ही सुर्खियों में बना हुआ है। ये ओटीटी 3 पर 21 जुलाई से शुरू हुआ था और देखते ही देखते हफ्ता बीत गया। शो में 16 कंटेस्टेंट्स ने एंट्री ली थी, लेकिन जिसमें से अब सिर्फ 13 ही लोग बचे हैं। शो में से पहले यानी तीसरे दिन से ही नीरज गोयत को बाहर कर दिया गया था, उसके बाद पायल और फिर उसके बाद पॉलमी को घर से बेघर कर दिया गया। ऐसे में अब तीसरे हफ्ते में घर के बाहर 8 कंटेस्टेंट बचे हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया है। ऐसे में शिवानी कुमारी ने खुद इस बात का खुलासा कर दिया है कि अगर उन्हें किसी को घर से बेघर करना हो पावर मिले तो वह किसे बेघर करेंगी। इस कंटेस्टेंट का नाम सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बिग बॉस ओटीटी 3 के तीसरे हफ्ते में 13 कंटेस्टेंट में से 8 को नॉमिनेट किया गया है। इसमें विशाल पांडे, अरमान मलिक, दीपिका चौरसिया, साई केतन, राव सना मकबूल, मनीष खटवानी, दीपक चौरसिया और सना सुल्तान का नाम शामिल है। इसी बीच अब शिवानी कुमारी ने बता दिया है कि घर से बेघर देखना चाहती हैं वो किसे। हाल ही में शिवानी से लवकेश कटारिया और अरमान मलिक सवाल पूछ रहे थे कि अगर तुझे 8 नॉमिनेंट्स में से किसी को घर से बेघर करने की पावर मिले तो तू किसे बाहर करेगी। शिवानी और रणवीर की लड़ाई किसी से भी छुपी हुई नहीं है। शुरू से ही रणवीर और शिवानी कुमारी की लड़ाइयाँ चर्चे में रहती हैं। बर्तन की सफाई से लेकर घर की चीजों तक के लिए दोनों अक्सर झगड़ते हैं। रणवीर अक्सर शिवानी के तौर तरीकों को भी मजाक उड़ाते हैं और उनकी भाषा का भी मजाक उड़ाता दिखते हैं। अरमान मलिक और लवकेश कटारिया का सवाल सुनकर शिवानी ने कहा, मुझे अगर मौका मिले तो मैं रणवीर भैया को घर से बाहर निकालूंगी। रणवीर नॉमिनेट करने की वजह पूछने पर शिवानी ने कहा, अगर हम कुछ भी कहते हैं तो वो बार बार मुंह बना लेते हैं, हमारे साथ लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। इस बात पर अरमान ने कहा कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, तो मैं भी तो नॉमिनेट हुआ था। शिवानी ने कहा कि आप अपना काम करते रहते हैं और मैं अपना काम करती रहूंगी, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उन्हें ही नॉमिनेट करूंगी। इसके बाद यही सवाल सना के लिए किया गया तो उन्होंने नाम लेने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।